नमस्कार। आज का पाठ है भारत माता। इस निबंध के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। भरत का नाम भारत के ही एक प्रसिद्ध और वीर व्यक्ति थे भरत। इसी नाम से उनका भारत हमारे देश का नाम पड़ा था। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और वह बहुत ही पराक्रमी और परमवीर थे। इसीलिए भारत का जो नाम है उन्हीं के नाम पर रखा गया था। नेहरू जी जो हैं इस पाठ में शहर में रहने वाले लोगों से भारत माता की चर्चा नहीं करते हैं। वह ये सोचते हैं कि नगरवासी समझदार थे, वे इन बातों को जानते हैं। लेकिन गांववासी किसान जो हैं उनका सोचने का ढंग थोड़ा सीमित था। वे केवल अपने गांव, जिले या प्रांत तक ही सीमित रहते थे, इसलिए उन्हें पूरे भारत से जोड़ना आवश्यक था। नेहरू जी गांववासियों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा किया करते थे। वे उन्हें ये बताते थे कि पूरा देश अनेक हिस्सों में बटा होने पर भी एक ही है, और वे उन मामलों पर चर्चा किया करते थे जो सारे देश के किसानों के साझे होते थे। यानी किसानों से संबंधित जो मुद्दे थे उस पर नेहरू जी उनसे बातचीत किया करते थे। वे उनसे स्वराज्य की भी बातें करते थे और उन्हें बताते थे कि स्वराज्य से क्या लाभ होगा और पूरे देश को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। नेहरू जी किसानों को दो प्रकार की जो समस्याएं थी उनसे परिचित कराते थे। पहली जो उनकी समस्याएं थी वो उनकी पर्सनल निजी समस्याएं जो थी, जैसे गरीबी, कर्ज लेना, पूंजीपतियों के द्वारा उनका शोषण किया जाना, जमींदारों और महाजनों के द्वारा किया गया शोषण और उन पर लगान जो लगा दिया जाता है। लगान होता है रेंट। रेंट यानी उनकी जो फसल होती है उसका कुछ हिस्सा भूमि का मालिक ले लेता है और उन्हें केवल कृषि करने के लिए ज़मीन दे दी जाती है किसानों को, और उनके द्वारा अधिक ब्याज लिया जाता है और पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है उसकी बात नेहरू जी किसानों के साथ किया करते थे। दूसरी जो चर्चा थी नेहरू जी करते थे वो विदेशी शासन की समस्या पर चर्चा किया करते थे, और विदेशियों के द्वारा जो उन पर शासन किया गया है उसके नुकसान की चर्चा होती थी और इस नुकसान से कैसे छुटकारा पाया जाए इस पर भी नेहरू जी चर्चा करते थे। नेहरू जी ने किसानों से बातचीत करते हुए चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो संघर्ष थे उसका भी वह हवाला देते थे। नेहरू जी के लिए पूरे अनपढ़ किसान जो हैं हमारे देश के और विश्व के बारे में उनको समझाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वह केवल अपने गांव तक ही लोग सीमित होते हैं और उनकी समझ इतनी नहीं होती है कि वो वैश्विक या देश के पूरे जो मुद्दे चल रहे थे उनको समझे। परंतु उन्होंने अपने महाकाव्य और पुराणों में विभिन्न कहानियाँ सुनी हुई थी नेहरू जी ने, इसलिए जो है वो आसानी से ग्रामीणों को कोशिश करते थे कि यह बात उन्हें समझा दी जाए, और उन जो कथाओं में पूरे देश का वर्णन आता था, जो उन्होंने महाकाव्य और पुराण पढ़े थे उनमें हमारे पूरे देश का वर्णन आता था, इसलिए वे पूरे देश की बातें आसानी से समझ गए। कुछ ग्रामीण लोग तीर्थ यात्रा भी कर चुके थे, यानी कि बाहर के क्षेत्रों में जा भी चुके थे, और ये तीर्थ देश के कई कोनों में फैले हुए थे, देश के चारों तरफ फैले हुए थे। इस कारण उन्हें पूरे देश की बात समझाने में इतनी कठिनाई नेहरू जी को नहीं आती थी। भारत के लोग जो थे महाकाव्य रामायण आदि और महाभारत हैं जो हमारे महाकाव्य हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके थे, पुराण भी वे पढ़ चुके थे, और उसमें देश के कई हिस्सों के नाम आते थे, और इसके कारण से वो पहले कई हिस्सों के नाम जानते थे। हमारे देश के कुछ हिस्सों के नाम उन्हें पता भी थे, कुछ चारों धाम से भी परिचित थे, और इसलिए उनको ये बात समझाई जानी इतनी मुश्किल नहीं थी कि देश को कैसे आज़ाद कराया जाए और उनके जो मुद्दे हैं उनसे कैसे समस्या का समाधान उनका किया जाए। किसान 1930 के बाद जो पूरे संसार में मंदी आई थी उससे भी काफ़ी हद तक परिचित थे। कुछ सिपाहियों ने विश्व युद्ध के कारण अन्य देशों की यात्राएं भी की थी, और युद्ध के दौरान विदेशों में नौकरियां भी की थी, इसके कारण से भी उन्हें समझाना इतना मुश्किल नहीं रहा था। नेहरू जी जिस भी सभा में जाते थे उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया जाता था। यह सुनकर नेहरू जी उन्हें भारत माता का अर्थ समझाना चाहते थे, और वो उनसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते थे कि ये भारत माता का क्या अर्थ मानते हैं, भारत माता का मीनिंग क्या है, उनके लिए भारत माता क्या है।
उन सभाओं में जब नेहरू जी जाते थे तो इस तरह के उनसे प्रश्न पूछते थे। नेहरू ने किसानों की एक सभा में उनसे भारत माता का अर्थ पूछा। एक हट्टे कट्टे किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ भारत की धरती से है। नेहरू जी किसानों से भारत माता का अर्थ पूछते तो उस तरह के और भी कई प्रश्न पूछते कि धरती कौन सी, जिसे भारत माता कहा जाता है, क्या उनके अपने गांव की धरती, जिले या सूबे की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती। ऐसे प्रश्न सुनकर के जो सुनने वाले थे वो ऊब जाते थे, परेशान हो जाते थे और वो कहते थे कि आप ही हमें भारत माता का अर्थ बता दो। तब नेहरू जी इसकी कोशिश करते और बताते कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है। यानी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं वो हमें सब अजीज हैं। अजीज हैं यानी प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती हिंदुस्तान के लोग और मेरे जैसे लोग यानी नेहरू जी जैसे लोग सारे देश में फैले हुए हैं, और यही लोग जो हैं करोड़ों की संख्या में हैं, और ये सब मिलकर के एक भारत माता बनती है। इसका मतलब हुआ भारत माता की जय से मतलब क्या हुआ, सभी लोगों की जय यानी सभी लोगों का जीतना। फिर वो फिर कहते थे कि भारत की धरती, इसकी नदी, पहाड़, जंगल सब किसके अंतर्गत आते हैं, भारत माता के अंतर्गत आते हैं। नेहरू जी किसानों को बताते कि जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत के साथ साथ इसमें रहने वाले लोगों की भी जय कहते हैं। किसान स्वयं को भारत माता का अंग मानकर बहुत खुशी और हैरानी अनुभव करते थे और उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। भारत के विकास को लेकर के नेहरू जी उन्हें सपने दिखाते थे कि सभी भारतवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा मिले, और सभी भारतवासियों को रोजगार मिले। रोजगार यानी उनका अपना बिजनेस हो या नौकरी हो, भारत सुखी हो, समृद्ध हो और उन्नत बने, यानी इसका विकास हो भारत का। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति एक ही सीमा तक बदल पाई है, सभी जानते हैं। तो नेहरू जी जो है उसी बात का जिक्र उस समय पर करते हैं जब ये पाठ लिखा गया था, और वो देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं लोगों में। हाँ, इसीलिए वो भारत माता का अर्थ उन्हें बताते हैं। भारत माता का अर्थ बताते समय उनका पूरा योगदान कौन करता है, हमारे जो गांव के लोग थे उन्होंने महाकाव्य और पुराणों का पूरा पढ़ रखा था, इसलिए हमारे पुराणों का पूरा योगदान हम इसमें मान सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि जब लोगों से भारत माता के जय के नारे के बारे में पूछते थे तो वो कौतूहल से भर जाते थे, या उसका अर्थ पूछने पर वो अचकचा जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भारत माता है क्या चीज़। भारत माता की जय का नारा लगाना तो हमारे देश में एक परंपरा रही है, सिर्फ एक ये क्या था, परिपाटी थी कि सभी लोग लगाते हैं तो हम भी नारा लगाएं। जब भी लोग इस नारे को लगाते हैं तो वो ठीक से इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। हमारे देश में क्या पाया जाता है, हनुमान चालीसा कर लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का मीनिंग लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि वो देखा देखी एक चीज़ होती है कि एक ने किया तो मैंने भी किया, उसने किया तो उसने भी किया, इससे वो चीज़ जो है सारे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और एक उसके लिंक बन जाते हैं करने के, उसकी परंपरा हम उसे बोलते हैं। तो भारत माता की जय का नारा लगाना केवल एक परंपरा थी, जबकि लोग इसका मीनिंग नहीं समझते थे। बस वो इतना समझते थे कि वे देश का जयगान कर रहे हैं और देश की उन्नति की कामना प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वो कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, उन्हें कोई उत्तर देना नहीं सूझ पाता था। और सब किसानों की जो थी, क्या हम इस पाठ को पढ़कर ये मान सकते हैं कि क्या सपने उनके सच हुए, किसानों के जो सपने नेहरू जी ने दिखाए थे। करोड़ों किसान अब भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसान आत्महत्या अभी कर लेते हैं, आप पेपर्स में भी पढ़ते होंगे। कर्ज माफ होना ऐसी समस्या नहीं है जिसे एकदम समाप्त किया जा सके। किसानों को आवश्यकता हो जाती है तो उन्हें कर्ज लेना हो जाता है, और इसके लिए उन्हें अपने खेत वगैरह, गहने जो हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं।
करते हैं, और बैंक भी कर्ज देते हैं तो गिरवी रख कर ही देते हैं, संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है तभी उन्हें कर्ज मिलता है। लेकिन कुछ मात्रा में किसानों की दशा में कुछ सुधार भी हुए हैं, और किसानों की जो आसान शर्तें हैं बैंक के, उन्हें ऋण मिल जाते हैं आसान शर्तों पर। पुलिस के अत्याचार भी इतने अभी नहीं हैं, क्योंकि मीडिया जो है काफ़ी सक्षम है, और विदेशी शासन भी ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे सुधार की ओर किसान बढ़ रहे हैं, उनके सारे सपने सच नहीं हुए हैं, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि सारे सपने उनके सच हो गए हों, क्योंकि नेहरू जी ये कहते थे कि कोई किसान गरीब नहीं होगा, किसी पर कर्ज नहीं होगा, सभी के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, पूंजीपति और महाजन यानी कि जो बहुत अमीर लोग हैं गांव में, जो ब्याज देने वाले महाजन होते हैं, उन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब सच नहीं हुआ, और ये भी चल रहा है। कुछ हद तक जरूर इससे मुक्ति मिली है, लेकिन पूर्णतया इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे हमारा देश का किसान मुक्त नहीं हो पाया है। विदेशी शासन जरूर जो इन सब कष्टों को हवा दे रहा था उसे उखाड़ फेंक दिया गया, जो नेहरू जी ने जैसे कि कहा था इस पाठ में उसके अनुसार। तो इस तरह से